वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास में आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल के अंतर्गत अध्याय 3 जनसंख्या संगठन के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज हम देखेंगे जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना क्या है, इसके अंतर्गत किसे कहते हैं और क्या चीजें इसमें समाहित है। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के अंतर्गत देखें तो व्यावसायिक संरचना का जो अध्ययन है यह काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से उस क्षेत्र की देखा जाए, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जैसे कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान या मत्स्य प्रधान या औद्य उद्योग के अंतर्गत कौन सी प्रधानता दिए हुए है, और व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत देखा जाए तो जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष की आयु के अंतर्गत स्त्री या पुरुष दोनों को इसमें माना जाता है, या कहें कि 15 से लेकर 59 वर्ग के आयु के स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी कार्य करने में सक्षम है या जिनके द्वारा कृषि कार्य, उद्योग कार्य, मत्स्य पालन और दुग्ध व्यवसाय, उसके साथ ही साथ और जो छोटे बड़े उद्योग स्थापित हैं, छोटे बड़े कारखाने स्थापित हैं जिसमें बड़े पैमाने पर जनसंख्या स्त्री हो या पुरुष हो दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो पहले कार्यकर्ता की जो व्यावसायिक संरचना है, इस व्यावसायिक संरचना में अनेक प्रकार के छोटे बड़े उद्योग, कृषि उद्योग भी है, मत्स्य पालन भी है और छोटे बड़े जो उद्योग स्थापित हैं ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। और किसी भी देश की जो कार्यशील जनसंख्या है, उस कार्यशील जनसंख्या में अधिक से अधिक 15 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्ति ही सम्मिलित किए जाते हैं, जिनके कंधों पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था का भार होता है। इसमें बूढ़े और बच्चे देखा गया तो कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक परिवार हो, चाहे छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, सभी व्यक्ति कार्य नहीं करते। खास तौर से हमारे यहाँ, खास तौर से विकासशील देशों में, जैसे आपके देश भारत में, भारत कृषि प्रधान देश है तो कृषि पर ही आश्रित पूरी की पूरी जनसंख्या, जिसमें बच्चे और बूढ़े जो है युवा वर्ग पर आश्रित होते हैं, या जो 15 वर्ष की आयु से लेकर 59 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति हैं उन्हीं पर बड़े पैमाने पर छोटे बच्चे और परिवार के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या बूढ़े व्यक्ति हैं वे अपने युवा या अपने पुत्रों पर ही आश्रित होते हैं, या कहें कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी खास तौर से परिवार के अंतर्गत माता पिता, या कहें जो 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति हैं उनके कंधों पर जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि कुछ देशों में, जैसे अगर हम विकसित देश की बात करें, विकसित राष्ट्रों की, तो वहां पर स्त्री पुरुष सभी कार्य करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ विकासशील देशों में स्त्रियां भी कार्य करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ स्त्रियां कार्य न करके वह अपने पुरुषों पर ही आश्रित होती हैं। तो कार्यशील जनसंख्या पर जब बच्चे और बूढ़े आश्रित हो जाते हैं तो पूरे परिवार में जो बच्चे हैं, बच्चे बूढ़े हैं, उनमें जो कार्यशील जनसंख्या या जो माता पिता हैं या जो युवा वर्ग हैं उन पर अधिक भार पड़ जाता है। और कार्यशील जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में कम भी होती है और अकार्यशील जनसंख्या का जो दबाव है वह बड़े पैमाने पर बढ़
गया तो सामाजिक और धार्मिक जो है मान्यताओं के कारण स्त्रियां कार्यों में संलग्न नहीं रहती। कहने का तात्पर्य कि कुछ ऐसे परिवार होते हैं जैसे ब्राह्मण में क्षत्रिय में और कुछ ब्राह्मणों के अंतर्गत कुछ ऐसे क्षत्रिय या कुछ ऐसे बड़े परिवार होते हैं जिन परिवारों में स्त्रियां कोई कार्य नहीं करती हैं, तो वे अपने परिवार पर या अपने पति पर ही आश्रित रहती है। वही पाते हैं कि कई कई सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण स्त्रियां आर्थिक कार्यों में संलग्न नहीं होती हैं और वहां पुरुष ही कार्यशील जनसंख्या के ऊपर अधिक से अधिक दबाव बढ़ता चला जाता है। मुस्लिम राष्ट्रों में भी देखें तो इसी प्रकार के स्थितियां पाई जाती हैं। मुस्लिम राष्ट्रों की अगर हम बात करें जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है अरब कंट्री के अंतर्गत, तो ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सब कई ऐसी मुस्लिम कंट्रियां हैं जिसमें स्त्रियां कोई विशेष कार्य नहीं करती बल्कि पुरुष ही अधिक कार्य करते हैं। तो पुरुषों पर अपने परिवार की अर्थव्यवस्था का जो बोझ है या जो भार है वह पुरुषों पर अधिक पड़ जाता है। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ एक तालिका दर्शाई गई है। विश्व प्रदेश मतलब यहाँ हम विश्व के अंतर्गत जो क्षेत्र है जैसे पूरा विश्व हुआ, विकसित देश हुए, विकासशील देश हुए, दक्षिण एशिया, भारत, यहाँ करीब करीब पांच पूरा विश्व समाहित है, विकसित, विकासशील और दक्षिण एशिया और भारत, इनको मिलाकर के एक आंकड़ा या तालिका यहाँ दर्शाई गई है। वर्ष में देखें तो 1985 और 2000 विश्व के बारे में और विकसित देशों में भी वही सन है 1985 और 2000, यही आंकड़ा विकासशील देश, दक्षिण एशिया और भारत सभी में 1985 से 2020 का ये आंकड़ा विश्व के श्रमिक समूह की आयु वर्ग और लिंग संरचना का जो वर्णन यहाँ किया गया है, ये जो लिंग संरचना है इसको इस तालिका में मिलियन में दर्शाया गया है, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं, मिलियन में दर्शाया गया है। तो हम देखें शुरुआत करते हैं पहले विश्व की बारे में। विश्व में देखें तो महिला पुरुष आयु वर्ग और महिला आयु वर्ग दोनों है, जिसमें 1985 में 10 से 24 वर्ष के बीच के जो कार्य करने वाले पुरुष थे उसमें संख्या 330 मिलियन थी और 25 से 54 वर्ष के बीच में जो कार्य करने वाली संख्या पुरुषों की वह 800 थी, 55 से अधिक जो संख्या 162 मिलियन में थी, 162 मिलियन में। और हम महिला वर्ग में देखें तो महिला वर्ग में जो कार्य करने की क्षमता थी यहाँ आप देख रहे हैं 10 से 24 के बीच में 186, तो यहाँ 330 और यहाँ 186 का भी अंतर हो गया। पुरुष और महिला में 25 से 54 के बीच में 387 है और यहाँ 800 है, तो एक आंकड़ा आप देख सकते हैं कि करीब करीब पुरुषों से स्त्रियों की जो संख्या है कार्य करने की या श्रमिक समूह में वह आधी है। यहाँ 55 से अधिक में 162 है, यहाँ 55 से अधिक में 76 है। वही आंकड़ा ये तो 1985 की बात रही, अब 1985 के बाद 2000 में जो आंकड़ा निकाला गया था पूरे विश्व का, तो देखिए 10 से 24 वर्ष के बीच में 330 से आंकड़ा बढ़ता है 384 में पहुंच जाता है, 25 से 54 के बीच में 1107 मिलियन पहुंच जाता है और 55 से अधिक की जो संख्या है उसमें 195 मिलियन की संख्या बढ़ रहा है। वही चीजें स्त्रियों में भी देखें तो महिला आयु वर्ग में भी जहाँ 10 से 24 में 85 में 186 का यहाँ 209 हो गया और 25 से 54 आयु के बीच के जो स्त्रियाँ थी उनमें 541 हो गया और 55 से अधिक में जहाँ 76 वहाँ 12। विश्व का जो हमने आंकड़ा यहाँ दर्शाया इसके बाद विकसित
अब आप विकसित देशों में 1985 वर्ष में देखिए, 1985 में जहां 61 मिलियन जनसंख्या पुरुषों में थी और 10 से 24 के बीच में 61 मिलियन, 25 से 54 के बीच में 235 मिलियन हो जाता है और 55 से अधिक में 53 मिलियन, और देखें तो महिलाओं में यह संख्या 48 10 से 24 के बीच में यहाँ 48 हो रहा है। ये हम सिर्फ विकसित देशों की बात कर रहे हैं, ये जो आंकड़ा ऊपर देखे आप ये पूरे विश्व का समाहित था। तो यहाँ विकसित देशों में देख रहे हैं आंकड़ा कम हो रहा है, विकसित देशों में तो सिर्फ विकसित का विकासशील दक्षिण एशिया भारत सभी को मिलाएंगे तो विश्व में सभी समाहित है, लेकिन कम ही आंकड़ा थोड़ा अलग अलग दिखाया जा रहा है। विकसित देशों में अगर हम देखें तो 1985 में 61 मिलियन, 10 से 24 आयु के बीच की जो संख्या थी वह 61 मिलियन और 25 से 54 के बीच में जो आंकड़ा था वह 235 मिलियन और 55 से अधिक आयु में 53 मिलियन के आसपास उस आयु की जनसंख्या जो श्रमिक का कार्य करती है। उसके बाद महिलाओं में देखिए तो विकसित राष्ट्रों में ये जो आंकड़ा 10 से 24 आयु के बीच का जो आंकड़ा है वह 48 मिलियन और 25 से 54 के बीच में यह आंकड़ा बढ़ जाता है 140 मिलियन और 55 से अधिक आयु की जो स्त्रियां हैं उनका आंकड़ा 33 मिलियन आ रहा है। विकसित देशों में 85 के बाद 2000 में देखें यह आंकड़ा यहाँ 10 से 24 के बीच में घट गया, 58 हो गया। क्यों 58 हुआ? क्योंकि 85 के बाद 2000 में विकसित देशों में जो जनसंख्या जिस अनुपात से बढ़ रही थी विकसित राष्ट्रों ने अपने यहाँ की जनसंख्या को नियंत्रित किया और 10 से 24 के बीच में जहाँ 15 वर्षों में 58 हो गया, 61 का आंकड़ा घट गया 58, लेकिन 25 से 54 के बीच के जो श्रमिक हैं उनमें यह आंकड़ा 266 35 से बड़ा 266 हो गया। यहाँ 53 था, यहाँ 56 हो गया 55 से अधिक आयु के जो श्रमिक हैं। उसके बाद 10 से 24 महिला वर्ग में देखें तो जहाँ 45 का मान 46 हो गया महिलाओं में, उसके बाद 25 से 54 के बीच में यह आंकड़ा बढ़ जाता है 167 मिलियन। उसके बाद 55 से अधिक में देखें तो 35 मिलियन के आसपास जो महिलाओं में जो श्रमिक हैं उनकी संख्या हो जाती है। अब हम आते हैं विकासशील देशों के बारे में। विकासशील देशों के अंतर्गत 1985 में देखें तो यह जो आंकड़ा 10 से 24 वर्ष की पुरुष आयु है उसमें आंकड़ा 269। देख रहे हैं विकासशील देश में विकसित और विकासी दोनों में काफी कुछ बहुत बड़ा अंतर यहाँ दिखलाई दे रहा है। जहाँ विकसित देशों में 61 पुरुषों की आयु और 10 से 24 के बीच में जो काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनका अनुपात 61 मिलियन है, लेकिन यहाँ विकासशील देशों में यह 269 मिलियन पहुंच जा रहा है। उसके बाद 25 से 54 में देखें तो यहाँ आंकड़ा विकसित में 235 है, लेकिन यहाँ 565 हो रहा है, 565 मिलियन है। उसके बाद 55 से अधिक में यहाँ 53 था विकसित देशों में, यहाँ 109 मिलियन हो जा रहा है। जो 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं जो श्रमिक का कार्य करते हैं। उसके बाद महिलाओं में यह संख्या विकसित राष्ट्रों में 48 था, लेकिन यहाँ 139 हो जा रहा है 10 से 24 वर्ष की आयु के बीच में। उसके बाद 25 से 54 के बीच में देखें यह आंकड़ा 247 है, या 140 था विकसित राष्ट्रों में, यहाँ 247 है, 247 मिलियन है। यहाँ की संख्या को अगर गिनेंगे तो मिलियन में आंकड़ा दर्शाया गया है। 55 से अधिक में देखें तो विकसित राष्ट्रों में 33 और यहाँ 43 है। तो यह आंकड़ा आप गौर करें तो
दिशा में भी है और अपने भारत की ओर थोड़ा नजर देते हैं तो भारत में जो कार्यशील जनसंख्या है 1985 में जो 10 से 24 वर्ष की आयु के समूह थे उनकी संख्या 60 मिलियन थी। 60 मिलियन और 25 से 54 के बीच में आंकड़ा 125 पहुंच जाता। उसके बाद 55 से अधिक आयु में 25 पहुंचा 25 मिलियन। स्त्रियों में देखें या 30 का आंकड़ा पहुंचा 10 से 24 वर्ष की आयु के बीच में जो स्त्रियां उनकी संख्या 30 मिलियन के आसपास आ रही है और 25 से 54 के बीच में देखें यह आंकड़ा 48 का आ रहा और 55 से अधिक में आपके वर्ग 5 मिलियन का आंकड़ा दर्शाया गया है। यह आपके भारत का है 1985 में। उसके बाद 2000 में देखें तो यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है क्योंकि क्योंकि यह आंकड़ा जनसंख्या भारत में 1985 के बाद काफी तेजी से वृद्धि हुई है और 2000 आते आते जो पुरुषों में जो कार्यशील जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु की उनकी संख्या बढ़ रही है 91 और 25 से 54 के बीच में जहाँ 1985 में 125 था वही 276 हो जा रहा। देख रहे किस प्रकार से श्रमिकों की संख्या और भारत में तीव्र गति से जनसंख्या दोनों चीजें काफी तेजी से बढ़ रही हैं और 55 से अधिक में 62 मिलियन की जनसंख्या हो जा रही है जहाँ का 1985 में 25 था वही 62 हो जा रहा काफी तेजी से बढ़ा। वही आप देखें कि महिला वर्ग में भी 10 से 24 में 37 हो गया। उसके बाद 25 से 54 वर्ष की आयु में 48 का मान 85 हो गया और 55 से अधिक में 15 हो गया। ये जो आंकड़ा चार्ट आपने देखा तालिका विश्व के श्रमिक समूह की आयु वर्ग और लिंग संरचना जो मिलियन में यहाँ दर्शाई गई है तो इसके साथ ही ये जनसंख्या संगठन के अंतर्गत जनसंख्या की जो व्यावसायिक संरचना है यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।